विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में अनेक आयोजन किए गए। इन आयोजनों में आदिवासी समाज से जुड़े लोग काफी संख्या में शामिल हुए और जगह जगह रैली और सभा के साथ सम्मान समारोह भी किए गए। गुरुवार को मध्य प्रदेश आदिवासी अधिकारी कर्मचारी संगठन के द्वारा लालबाग से एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में आदिवासी समाज से जुड़े लोग शामिल हुए। लालबाग से आरंभ हुई यह रैली राजीव गांधी प्रतिमा स्थल पर पहुंची, जहां दोपहर बाद सभा का आयोजन किया गया। इस रैली में आदिवासी समुदाय से जुड़े लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए, वहीं उनके वाद्य यंत्र के साथ संस्कृति से जुड़े अन्य पहलू भी झलक रहे थे। इसी तरह एक अन्य रैली का आयोजन शहर के श्री रणजीत हनुमान मंदिर से किया गया। इस रैली में हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय से जुड़े लोग शामिल थे। रैली में छोटे से लेकर बड़े तक नजर आ रहे थे। वहीं डीजे साउंड पर आदिवासियों की टोलियां नृत्य करते हुए चल रही थी। रैली में युवाओं में भी खासा जोश देखा गया। रैली में पारंपरिक वेशभूषा तो नजर आ ही रही थी, साथ ही पारंपरिक वाद्य यंत्र और आदिवासी संस्कृति की झलक भी दिखाई दे रही थी। विश्व आदिवासी दिवस ये यात्रा रणजीत हनुमान मंदिर से शुरू होकर लकड़ी मंडी जीएनटी मार्केट में बालकृष्ण बाग का यहाँ समापन होगा। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग उपस्थित हैं। कौन सी संस्था आपकी? श्री भीमा नायक आदिवासी कल्याण एवं सामाजिक विकास सेवा संस्था है। इसके नेतृत्व में हजारों की तादाद में आदिवासी समाज के लोग आज अपनी पारंपरिक वेशभूषा में सम्मिलित हुए हैं। कितनी आबादी होगी कुल यहाँ पर? हमारे यहाँ पे कम से कम 4 से 5 लाख इंदौर में आबादी। रैली का जगह जगह कई मंचों से भव्य स्वागत किया गया। ये रैली रणजीत हनुमान मंदिर से आरंभ होकर धार रोड स्थित रामकृष्ण बाग पर संपन्न हुई।